नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देश। आइए रुक करते हैं मेरठ की कुछ खास खबरों की ओर। मेरठ में एक ट्रेन के दो डिब्बों में आग लग गई। सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बे यहां मेरठ के दौराला स्टेशन पर आग लगने से पूरी तरह जल गए। हालांकि इससे यात्री सकुशल ट्रेन से उतर गए थे। आग की घटना से हड़कंप मच गया। विधानसभा चुनाव 2022 के मतों की गिनती के लिए मेरठ में तैयारी शुरू हो गई है। जिले में विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए दो केंद्र बनाए गए हैं। दोनों केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच मतगणना होगी। मेरठ और आसपास के जिलों में एक बार फिर बूंदाबांदी होने के आसार बन गए हैं। वहीं शनिवार को दिन में धूप खिली, सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा भी नजर आया। तापमान अभी और बढ़ेगा। मेरठ के कंकरखेड़ा में शव दफनाने को लेकर बवाल हो गया। कब्रिस्तान के जमीन को डॉक्टर की जमीन बताने पर लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। जानकारी मिलने पर पहुंचे भाजपा नेताओं ने लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आज रात तक भाजपा नेता थाने में हंगामा करते रहे। मेरठ में शुरू में तेंदुए को पकड़ने का गंभीर प्रयास वन विभाग की टीम ने नहीं किया गया। खुली सड़क पर तेंदुआ अपने बचाव को दौड़ रहा था और भीड़ वन विभाग की टीम उसके पीछे दौड़ लगा रही थी। मेरठ की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें टुडे 24 न्यूज़।